हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये डोरमेट का डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। अंदर से राउंड शेप है और बाहर से मैंने इसकी में डिज़ाइन डाला हुआ है। मैंने इसको टू कलर में बनाया है, वूल में बनाया है। वूल मेरी ये थोड़ी सी मोटे वाली है और इसके अंदर मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आप इसको वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। अगर वूल पतली है तो आप उसको डबल कर लीजिएगा। और आप इसको पुरानी चुन्नी, पुरानी साड़ी, पुराने कपड़े वगैरह से भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आप इसको पुरानी चुन्नी कपड़े वगैरह से बनाएंगे तो आप इसको डोरमेट के लिए यूज कर सकते हैं। और आप इसको बनाएंगे वूल में तो वूल में बनाने के बाद आप इसको पूजा आसन, टेबल मैट, डोरमेट, थालपोस किसी जगह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन के आएगा। तो चलिए घर पर ही हम रेडीमेड लुक में बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन को सीखने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये टू कलर की वूल ली है, एक ग्रीन लिया है, एक मैंने वाइट लिया है। वूल देखिए ये थोड़ी सी मोटे वाली है, मोटी वूल है। और यहाँ पे मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है। तो इसको बुनना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे, पहले हम फंदे डालेंगे वाइट कलर से। तो जैसे स्टार्टिंग में है, यहाँ पर हम एक नोट लगा के फंदा बना लेंगे। इस तरह से फंदा बनाएंगे। अब देखिए एक फंदा डल गया, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और 9। 9 फंदे डाल लिए। अब देखिए 9 फंदे हम इस ग्रीन कलर से डालेंगे। तो इसके भी हम पहले यहाँ पे एक नोट लगा के फंदा बना लेंगे। इस तरह से फंदा बनाएंगे और यहाँ पे डाल लेंगे। तो 9 फंदे हमने वाइट से डाल ले, 9 फंदे अब हम ग्रीन से डाल लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए 9 फंदे हमारे वाइट से डल गए और 9 फंदे हमारे ग्रीन से डल गए। जब भी आप इसमें जितने भी बड़े साइज का डोरमैट, पायदान, पूजा आसन, टेबल मैट बनाएंगे तो आप फंदे 2 के हिसाब से डालिएगा। जैसे अब मैंने ये डाले यहाँ पे 9 और 9, 18 जोड़े के हिसाब से 18 फंदे बन गए। जब हम इसकी कली बनाएंगे तो 3 भागों में हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे तो 3 भागों में ये बराबर बराबर आने चाहिए। तो 18 को 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। अगर आप इसको बनाना चाहेंगे 24 फंदों में तो फिर 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो 8, 16 और 24। 30 फंदों में बनाएंगे तो जब कली बनाएंगे तो 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो 10, 10 और 10 तो 30 बन जाएंगे। तो जोड़े के हिसाब से आप फंदे डालिएगा और फंदे डालने के बाद एक बार आप इसको 3 भागों में डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो जैसे मैंने अब यहाँ पे 18 फंदे डाले हैं तो इनको 3 भागों में करेंगे तो 6, 6, 6। अब हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है तो देखिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही बुन लेंगे इस तरह से। ये फंदा बुन लिया, अब धागे को पीछे करेंगे ऐसे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। यहाँ पर अब हम फंदा बढ़ाएंगे। एक बार ये फंदा बुन लिया, अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको एक बार उल्टा बनाएंगे। तो देखिए ये एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब ये बाकी के फंदे जो ग्रीन वाले हैं इनको बुनेंगे। इस सिलाई को आप आराम से बुनिएगा क्योंकि यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है,
फिर आगे तो आप बुनते जाइएगा, आराम से बुन जाएगा। तो ये फंदे अब हमने बुन लिए, तो एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब ये फंदे हैं, इन फंदों को और इनको ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इस ग्रीन कलर के धागे को हम इस तरह से ऐसे करेंगे, इस तरह करके, और इस वाइट धागे से इस फंदे को बनाएंगे और इसको यहाँ से टाइट करके खींच लेंगे। दो, तीन, चार, पांच, छः और सात। तो ये दो फंदे अब हम बगैर बुने छोड़ेंगे, यहीं से ही हम टर्न करेंगे। तो अब आ जाइए सीधी तरफ, यहाँ से हमने कोई भी फंदा घटाना नहीं, बढ़ाना नहीं। वाइट फंदे वाइट से बनाएंगे और ग्रीन फंदे ग्रीन से बनाएंगे। बहुत ही इजी डिजाइन में मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी, ताकि आपको बुनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, उसी कलर में ये बहुत ही प्यारा बन के आएगा। अब इस धागे को ऐसे पीछे की तरफ कीजिए और इसको आगे की तरफ कीजिए, ऐसे क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर आपका होल नज़र नहीं आएगा। अब इन फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे, सीधी तरफ से सिर्फ ऐसे ही बनाते जाएंगे, जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से उसको बना लेंगे। अब जो ये लास्ट का फंदा है सीधी तरफ, इसको सीधा बना लेंगे ऐसे, इस तरह से। तो ये सीधी तरफ से बन के कम्प्लीट हुई। अब फिर आ जाइए रोंग साइड में। अब इस फर्स्ट फंदे को हम फिर से ऐसे ही उल्टा बनाएंगे। अब धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को एक बार सीधा बना लेंगे, फंदा बढ़ाएंगे। अब धागा आगे करेंगे, फिर से इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। तो एक फंदा हमारा फिर से बढ़ गया। अब फिर आगे के फंदे ऐसे ही बनाते जाएंगे। आप इसको पुरानी चुन्नी, पुरानी साड़ी, पुराने कपड़े वगैरह से बना सकते हैं, तो आप पायदान के लिए यूज कर सकते हैं। और आप इसको वूल में बनाते हैं तो आप इसको पूजा आसन, टेबल मैट, थाल पोश की जगह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से क्रॉस कराएंगे और अब ये वाइट फंदे वाइट से बनाएंगे। दो, तीन, चार, पाँच। अब देखिए दो फंदे हमने फर्स्ट रो में छोड़े थे, दो अब की बार छोड़ेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। अब जो फंदा जैसा है उसको उसी कलर से बना के कंप्लीट करेंगे। अब फिर से ऐसे धागे को क्रॉस कराएंगे, ग्रीन को आगे लाएंगे और ग्रीन फंदे ग्रीन से बनाएंगे, और लास्ट वाला फंदा है जो, वो हमारा सीधा बन जाएगा। अब ये फंदा उल्टा है, लास्ट के फंदे को धागा पीछे करेंगे, सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब फिर देखिए यहाँ से फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, तो फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही बना लेंगे उल्टा, और इस फंदे धागा पीछे करेंगे, एक बार इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको गिराएंगे नहीं, फिर से एक बार फिर बना लेंगे। तो यहाँ पर एक फंदा हमारा फिर से बढ़ गया। अब फिर आगे ऐसे ही बनाते जाएंगे, लास्ट में फिर से दो फंदे छोड़ देंगे। अब ये ग्रीन वाले फंदे ग्रीन से बनाएंगे, इसको ऐसे क्रॉस कराएंगे, यहीं पे रखेंगे, ऐसे क्रॉस कराएंगे, इसको आगे से वाइट से बुनेंगे। दो फंदे हमने फर्स्ट रो में छोड़े थे और दो फंदे हमने सेकंड रो में छोड़े थे, अब की बार ये दो फंदे छोड़ देंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे और सीधी तरफ से देखिए जो फंदा जिस कलर का है उसी से बनाएंगे, लास्ट वाले फंदे को सीधा बना लेंगे।
तो अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट रो में दो छोड़े, फिर दो छोड़े, फिर दो छोड़े, तो छह फंदे हमने बगैर बुने छोड़े हैं। और ये जो तीन सिलाइयाँ बुनी हैं इसमें एक एक फंदा हमने हर सीधी सिलाई में यहाँ पे बढ़ाया है। तो छह फंदे छोड़ दिए, तीन यहाँ पे बढ़ाए हैं। ध्यान दीजिएगा 18 फंदे मैंने डाले थे, 9 वाइट और 9 मैंने ग्रीन के। तीन भागों में डिवाइड किया तो 6 6 2 12 6 3 18 तीन भागों में जैसे डिवाइड किया तो 6 फंदे हमने वाइट के छोड़ दिए, इसमें हमने फंदे बढ़ाए 3। अब हम जो 6 फंदे छोड़ेंगे उसमें हम यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए अब ऐसे ही बुनेंगे, इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर अब हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 6 फंदे हमने छोड़े, तब हमने 3 फंदे स्टार्टिंग में बढ़ाए थे, हर एक सिलाई में एक फंदा बढ़ाया था। तो ये ग्रीन फंदे ग्रीन से बुने, अब ये वाइट वाला फंदा तो इसको ऐसे क्रॉस कराएंगे, इसको बनाएंगे। ये दो फंदे अब की बार छोड़ेंगे, यहीं से ही हम टर्न करेंगे ऐसे। अब इस फंदे को बुनेंगे, धागा ऐसे क्रॉस कराएंगे, ग्रीन को आगे लेके आएंगे और जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बुन लेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन का डोरमेट है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। तो सीधी तरफ से तो कुछ भी नहीं करना होता, जो फंदे जैसे होते हैं उसी कलर से हमको इसको बनाने होते हैं। सिर्फ लास्ट के फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे। अब आ जाइए फिर से, अब ये दो फंदे हमने छोड़े थे, अब की बार फिर एक वाइट और एक ग्रीन, दो फंदे ये छोड़ेंगे, यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। जब हमने स्टार्टिंग के दो दो फंदे छोड़े, 6 फंदे, तो यहाँ पर बढ़ाए थे 3 सिलाइयों में। अब जो 6 फंदे ये यहाँ पर छोड़ेंगे, दो छोड़ दिए, दो अब की बार छोड़ेंगे, दो आगे, तो यहाँ पर फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो ये ग्रीन फंदे मैंने ग्रीन से बुन लिए। अब देखिए ये दो फंदे हमने पहले छोड़े थे, अब ये एक वाइट है एक ग्रीन, इन दोनों फंदों को छोड़ेंगे और अब हम यहीं से ही टर्न करेंगे इस तरह से। धागे को इसको आगे करेंगे, इसको अपनी तरफ करके और इन फंदों को बुनेंगे। इस धागे को यहाँ से टाइट रखिएगा, होल नहीं बनेगा। अगर आप एक कली को ध्यान से बुन लेंगे तो पूरे डोरमेट को आप आसानी से बना लेंगे इस तरह से। अब फिर यहां उल्टी तरफ आइए, फिर से इस फंदे को बुन लीजिए। अब देखिए पहले हमने ये दो छोड़े थे, फिर एक वाइट एक ग्रीन छोड़ा था, अब की बार ये दो छोड़ेंगे और यहीं से ही टर्न करेंगे ऐसे। इस फंदे को बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ये इस तरह से हमारी शेप बन जाएगी। यहाँ से हमने फंदे स्टार्टिंग में बढ़ाए थे 3 सिलाइयों में, तो देखिए 1 2 3 इन तीन में हमने फंदे बढ़ाए थे, ये तीन हमने ऐसे ही बुने बगैर फंदा बढ़ाए और दो दो फंदे हम छोड़ते आए हैं इस तरह से। अब देखिए जैसे हमने यहाँ से फंदे बढ़ाए थे अब ऐसे ही हम फंदे घटाएंगे। तो देखिए इसको बुनेंगे और दो का एक करेंगे, तो ये दो का एक करेंगे।
जैसे यहाँ पर तीन फंदे बढ़ाए थे, अब हमारे पास देखिए यहाँ पर छह फंदे हमने पहले छोड़े जब हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए, छह फंदे हमने फिर छोड़े, दो चार और छः जब हमने यहाँ पे बगैर फंदे बढ़ाए हुए बुना। अब हमारे पास तीन और तीन छः, ये फंदे हैं और तीन हमारे बड़े हुए थे जो एक फंदा हमने कम किया है। अब फिर देखिए यहाँ पर दो फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे, तो देखिए दो चार छः ये पहले छोड़े, फिर दो चार छः ये छोड़ दिए थे, अब की बार ये दो फंदे छोड़ेंगे, यहीं से ही हम वापस मुड़ेंगे। अब इस फंदे को बनाएंगे ऐसे, जो जैसा है वैसा ही बुनते जाएंगे, सीधी तरफ कोई डिजाइन नहीं डलता, जैसा फंदा है वैसा ही बुन लेंगे। अब यहीं से बैक साइड में आ जाइए, अब फिर से इस फंदे को बनाएंगे और फिर यहाँ पर दो का एक करेंगे, फिर आगे के फंदे बुनेंगे। अब की बार ये दो फंदे छोड़ेंगे तो यहाँ से ही टर्न करेंगे, तो इसको बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे। ये आपको दो दो फंदों के पेयर से आपको नज़र आएंगे। अब इस फंदे को बनाएंगे, फिर से दो का एक करेंगे, अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, तो इस फंदे को बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे। तो अब ये फंदे हमने जितने फंदे डाले थे अब हमारे पास उतने ही फंदे हैं, तो देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह, तो अब देखिए जो फंदा जिस कलर का है एक सिलाई हम ऐसे ही बुनेंगे, नहीं फंदा घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको गैप नज़र आएगा, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, तो इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको गैप नज़र आएगा, तो यहाँ से अब हम फंदा उठा लेंगे, इस तरह से फंदा उठाएंगे और इस आगे वाले फंदे के साथ ऐसे दो का एक करेंगे। अगर दो का एक यहाँ पर नहीं करेंगे इस फंदे के साथ तो फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। इसको बुनेंगे, फिर से गैप नज़र आएगा, तो यहाँ से फंदा उठाएंगे और इस आगे वाले फंदे के साथ दो का एक फंदा कर लेंगे, फिर इस फंदे को बनाएंगे। अब फिर ये यहाँ पर गैप अगर आपको नज़र आए तो आप फंदा यहाँ से उठा लीजिए, अगर गैप नज़र नहीं आए तो आप वैसे ही बुनते जाइएगा। इसको अपनी तरफ करेंगे, फिर वाइट से बुनेंगे। अब ये आपको यहाँ पे गैप नज़र आएगा, तो यहाँ से फंदा नीचे से उठाएंगे और जो ये उठाया हुआ फंदा है इसको आगे वाले फंदे के साथ ऐसे दो का एक करके बुनेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर गैप नज़र आएगा तो फिर से फंदा उठाएंगे और इस फंदे के साथ दो का एक करेंगे, दो का एक नहीं करेंगे तो फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। अब फिर से यहाँ पर गैप नज़र आएगा तो फंदा यहाँ से उठाएंगे और इस फंदे के साथ आगे वाले फंदे के साथ दो का एक कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये पूरी सिलाई बन के कंप्लीट हो गई। अब सीधी तरफ से देखिए फिर से जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बना के इस पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमने ये एक कली बनाई है आगे ऐसे ही कली बनाते हुए इसके राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। धागे को ऐसे क्रॉस कराएंगे, ग्रीन को आगे की तरफ लेके आएंगे, और लास्ट वाले फंदे को फिर से सीधा बना लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमारी कली बन के कंप्लीट हो चुकी है, इस तरह से इसकी ये शेप बन के आ गई है। अब फिर से जैसे हमने स्टार्टिंग में फंदे डाले थे सेम ऐसे ही फंदे हैं, नौ फंदे हमारे देखिएगा, दो
चार छः आठ और एक नौ, नौ वाइट के हैं, दो चार छः आठ और एक नौ, नौ फंदे ग्रीन के हैं। तो सेम जैसे हमने स्टार्टिंग की थी वैसे ही अब तीन सिलाइयाँ बनाएंगे तो एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे। सेम जैसे यहाँ से यहाँ तक बनाया है इसी तरह से ये एक कली कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही आप बार बार कली बनाते जाएंगे तो आपका राउंड कंप्लीट हो जाएगा, और जब कली कंप्लीट हो जाएंगी तो लास्ट में ये यहाँ पे आके ही ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे सिलाई करेंगे। तो देखिए ये डोरमेट हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है, पूरा राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है। अगर इन कलियों की हम बात करें तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, टोटल बारह कलियाँ इसके अंदर ये डिजाइन बारह डले हैं और डोरमेट हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट कली थी ये, और लास्ट कली में अब हमने नौ फंदे ये ग्रीन से बुने, नौ फंदे वाइट से बुने, लास्ट रो है। अब यहाँ से देखिए जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी कलर से हम बाइंड ऑफ करेंगे। जब ये ऐसे पूरा बनाते जाएंगे तो लास्ट में अपने आप ही राउंड में आ जाएगा इस तरह से। अब वाइट फंदों को वाइट से बाइंड ऑफ करेंगे और ग्रीन को ग्रीन से करेंगे। तो देखिए दो फंदे लेंगे इस तरह से और दो का एक बनाएंगे, फिर इसको वापस लेंगे और फिर से दो का एक बनाएंगे। इसको नहीं ज़्यादा टाइट रखेंगे नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। तो दो फंदे लेंगे और दो का एक बनाएंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी निडल पे लेंगे और दो का एक बनाएंगे, फिर से इसको वापस इसी निडल पे लेंगे और दो का एक बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए वाइट फंदे हम वाइट से बाइंड ऑफ करेंगे, बंद करेंगे, और जो ग्रीन कलर के फंदे हैं उनको ग्रीन कलर से बंद करेंगे। अब देखिए इस धागे को अपनी तरफ करेंगे ग्रीन वाले को, अब इसको पीछे की तरफ करेंगे और इस फंदे को वापस इसी निडल में लेंगे, आगे से एक फंदा लेके और दो का एक बनाएंगे, फिर वापस इस फंदे को लेंगे और दो का एक बनाएंगे, फिर से वापस लेंगे और दो का एक बनाएंगे, फिर से वापस इसी सिलाई पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके दो का एक करेंगे। तो इसी तरह से हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। अब यहाँ से दो का एक करेंगे तो पूरा डोरमेट हमारा बन के तैयार है इस तरह से। अब देखिए जो ये धागा है ग्रीन वाला, इसको थोड़ा सा लंबा काटेंगे, वाइट वाले को वाइट से सिलाई करेंगे और ग्रीन वाले के ग्रीन से करेंगे। अब इसके अंदर से यहाँ से इस धागे को निकालेंगे, इसके अंदर से निकाल के ऐसे इसके यहाँ पे नोट लगाएंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ से ग्रीन वाले पार्ट को ग्रीन से सिलाई करेंगे और वाइट की वाइट से करेंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा हमारा ये इस तरह से डोरमेट बन जाएगा। तो देखिए डोरमेट हमारा बन के तैयार है। अगर आपको ये डोरमेट पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप इसको वूल में भी बना सकते हैं, और जैसे पुरानी चुन्नी पुराने कपड़े पुरानी साड़ी वगैरह होती हैं उनसे आप इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा और इजी सा डोरमेट है ये, मैंने आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बताया ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका स्टार्टिंग और एंड पूरा कम्प्लीट हो गया है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।